नमस्कार, बीसीएन न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। अठारह वर्ष से अधिक उम्र की नागरिकों के टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही नागपुर जिले में बुधवार को 41,721 लाभार्थियों ने टीका लगवाया। यह नागपुर में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड है। शहर में 23,703 व ग्रामीण में 18,018 लोगों को टीके लगे। इसके पूर्व शहर में 10 अप्रैल को 16,451 टीके लगे थे। विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लंगवारे वर्मा ने विकास कार्यों को तय समय से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना होगा। इस संदर्भ में होने वाली पहल महत्वपूर्ण है। शहर के गड्ढों को पाटने का काम मानसून से पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन मनपा प्रशासन के साथ ही पदाधिकारियों ने इसकी अनदेखी की। मानसून के दस्तक देने के 15 दिन बाद महापौर दयाशंकर तिवारी ने बुधवार को शहर के गड्ढों को लेकर बैठक बुलाई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागपुर नगर निगम सिलाई, कुकिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी क्लास, संस्कार भारती, रंगोली का प्रशिक्षण देगा। महिला एवं बाल कल्याण विशेष समिति की बुधवार को ही बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र की मोदी सरकार ब्रिटिश शासन से ज्यादा अत्याचारी और दमनकारी है। यह सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है और किसानों को गुलाम बनाकर निर्वासित करने का काम कर रही है। किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काले कृषि कानून लागू किए गए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हटाए बिना देश के मेहनती किसानों के अच्छे दिन नहीं आने पर उनकी आलोचना की। संकट में कई लोगों ने नजदीक के लोगों को जान से हाथ गंवानी पड़ी। इससे हिंगन घाट भी अछूता नहीं रहा। घर का मुख्य कर्ता अगर नहीं रहा तो उस परिवार पर क्या गुजरती है, ये जिस पर गुजरती है वही जानता है। ज्ञानपीठ विद्यानिकेतन के कुछ छात्र के पालक इन कोरोना संकट के चलते नहीं रहे। अब इन निराधार छात्रों का शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय होने की कगार पर था। तब ज्ञानपीठ परिवार ने इन बेसहारा छात्रों को पढ़ाई का जिम्मा लिया। सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत अमीर बनने का सपना दिखाकर एक कंपनी द्वारा लाखों रुपए का चुनाव लगाकर फंसाने का मामला सामने आया। ये मामला पुणे की सेवन ड्रीम्स मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। इस कंपनी ने राज्य के अलग अलग इलाकों में सेमिनार आयोजित कर अमीर बनने का सपना दिखाया और लोगों को पैसा निवेश करवाया। हिंदी पंचांग के मुताबिक जून ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसके चलते गुरुवार को शहर में सुहागन महिलाओं द्वारा वट पूर्णिमा मनाई गई। गुरुवार को तहसील पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान पुलिस को एक कार संशयास्पद अवस्था में दिखाई दी। कार्रवाई करने पर पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वही दो आरोपी घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने आरोपी से 2,82,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। तहसील थाना क्षेत्र में एक सामूहिक हत्याकांड ने केवल नागरिकों ही नहीं बल्कि पुलिस के अधिकारियों को भी स्तब्ध कर दिया। इस हत्याकांड के बाद कई बातें सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आलोक क्राइम शो देखता था, जिससे उसमें आपराधिक प्रवृत्ति जागी। दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई और हमें इससे उभरने के लिए तीसरे संभावित लहर से निपटना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया। इस बैठक के बाद ये आशंकाएं जताई जा रही है कि राज्य में फिर एक बार कड़क नियम लगाए जा सकते हैं। बीसीएन न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।